पिच रिपोर्ट देखते हैं। एससीजी सिडनी का मैदान है, ऐतिहासिक स्टेडियम है, खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं। इस वेन्यू के ऊपर भी हाल ही के अंदर 22 दिसंबर को मैच हुआ था, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच था। वो लास्ट ओवर तक पूरा मैच गया था, वो लास्ट ओवर थ्रिलर गेम था। हुआ क्या था उसके अंदर आप देखो, होम टीम सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग करने आती है, 155 बनाती है, 7 विकेट गवा के 156 का टारगेट दिया एडिलेड स्ट्राइकर चेस करने आए। वहां पे मैथ्यू शॉट बहुत अच्छा खेले, लिन ने कैमियो खेला स्टार्टिंग के अंदर, और लास्ट के अंदर जैमी वटून ने जी जान लगा दी थी और चेस नहीं कर पाए। एक बॉल पे 4 रन चाहिए था, 2 रन भाग जाते हैं और 154 रन बना पाते हैं, 1 रन से टीम हार जाती है। तो क्या देखा था पिछले मैच में, जो पिछला मैच था वो जो मैच हुआ था वो एक छोर पे खेला गया था स्क्वायर के। एक तरफ आपने देखा होगा 55 मीटर की बाउंड्री थी और दूसरी तरफ 80 मीटर की थी। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था, तो आपको ध्यान रखना है जो डायमेंशन होते हैं स्टेडियम के लास्ट मिनट पे पता चलता है। मैं भी आपको बता दूंगा रेगुलर डायमेंशन क्या होता है। स्कोरिंग पैटर्न समझो फिर से, 175 बना 6 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो 167 बना पाती है। तो इस वेन्यू के ऊपर मोस्टली जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसको एडवांटेज मिला है। 116 बना 9 विकेट गवा के, सेकेंड लास्ट ओवर तक मैच गया और टीम 4 विकेट से जीत पाई थी इसके अंदर। 187 बना 2 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 62 रन पे सिमट जाती है। 151 बना 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो 145 पे रुक जाती है। 152 का टारगेट उनसे चेस नहीं हुआ, 149 का ही नहीं हुआ। ये देखो आप, 149 बना 150 का टारगेट दिया, जो टीम चेस करने आती है 115 पे रुक जाती है। तो आप देखेंगे इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 18 मैचेस जीते गए पिछले 26 मुकाबलों के अंदर। तो बैटिंग फर्स्ट इज द फॉर्मूला एट द एससीजीएस सिडनी, और ये वेन्यू सिडनी सिक्सर्स का होम ग्राउंड। मैच यहाँ पे हो रहा है सिडनी के अंदर, सिडनी की टीम खेल रही है तो इनका होम ग्राउंड है। यहाँ पे 57 में से इन्होंने 37 मैचेस जीता है और 20 मैचेस की टीम हारी है। मेलबर्न स्टार्स इस वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस खेली है, 3 मैच जीती और 6 मैच हारी है। प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनता है, जिसको हम कहते हैं आरपीओ। और जो लास्ट मैच था सिडनी वर्सेस एडिलेड का 22 तारीख को हुआ था, उस मैच में 10 विकेट पेसर का था, 2 विकेट्स वहां पे स्पिनर्स ने निकाले थे। विकेट कॉलम, ये बहुत सी कहानी बयां कर जाता है। लास्ट 26 मैचेस के अंदर इस मैदान पे 220 विकेट निकाला है फास्ट बॉलर्स ने, पहली पारी के अंदर 96 भाई साहब। लेकिन देखिए अब दूसरी पारी के अंदर पेसर्स के 124 विकेट है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं पता है फैंटेसी के अंदर, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसको बॉलर भर लेते हैं। यहाँ उल्टा रहा गया, राइट आर्म पेसर 150, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 70 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 98 विकेट्स है, हल्की से यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। पहली पारी के अंदर स्पिनर्स को 42 विकेट मिला, दूसरी पारी के अंदर 56, ऑफ स्पिनर्स का 22, लेग स्पिनर्स का 37, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 6, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 33 विकेट है। अब मैं आपको लास्ट मैच की पिच की फोटो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, स्ट्राइकर्स लिखा हुआ है देखो, और ये लिखा है सिक्सर्स। इनका मैच था तब पिच ऐसी थी, इलेक्ट्रा स्टंप का इस्तेमाल किया गया था, जो इलेक्ट्रिक स्टंप जिसको कहते हैं, अलग अलग लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ये, जब विकेट जाता है तो ये जल्दी जल्दी रेड लाइट में ब्लिंक होते हैं, छक्का जाता है तो ऊपर की तरफ उठता है। तो अलग ही सिलसिला है यहाँ का, ये पिच देखो वैसी दिखती है। ये जब पहला मैच यहाँ पे खेला गया था अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स, तब पिच यहाँ पर ऐसी थी। ये देखो आप, फिंची का वीडियो है, फिंची यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्ला घुमा रहे थे अपने, और ये रोलर चल रहा था पिच के ऊपर, आप वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है। और जब लास्ट टाइम यहाँ मैच हुआ था, सेकंड लास्ट टाइम सिडनी सिक्सर्स और रेनेगेड्स का, इसी साल हुआ था। इस वेन्यू पे अभी तक 2 मैचेस हो चुके हैं इस बिग बैश लीग में, सेकंड लास्ट मैच में पिच ऐसी थी ये देखें। और सिडनी के ऊपर सबसे कम स्विंग देखने को मिलता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 0.7 डिग्री होता है, और सबसे ज़्यादा टर्न सिडनी पे देखने को मिला है आज तक, ये आपको याद रखना है। सामने की बाउंड्री 75 मीटर, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 65 मीटर की देखने को मिल सकती है अगर बीच वाली पिच में मैच हुआ तो। और ये देखो आप, क्या व्यू आता है भाई साहब स्टेडियम का, ऐतिहासिक स्टेडियम है, खूबसूरत है मैदान, और सिटी भी बहुत प्यारी है सिडनी की। ये देखो आप, ये ड्रोन व्यू है, रात के टाइम पे ऐसा दिखता है स्टेडियम। ये स्पेशल पिच रोड फ्रॉम द एससीजी, कैसे लेके मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।